उस दिन सुबह अचानक तेज पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो पक्षियों का ये राजा अशोक के पेड़ की डाल पर जा बैठा था। थोड़ी दूर फूलों के बागीचे से गुजरते हुए देखा कि सामने एक सुंदर मोरनी टहल रही है। मैं जैसे ही आगे बढ़ा वो भी मेरे पीछे पीछे होली। मैंने सोचा पता नहीं ये मुझसे क्या चाहती है, आखिर इस तरह मेरे साथ क्यों चल रही है। थोड़ी दूर जाकर रुककर उससे बात करने की कोशिश की, पर मुझे उसकी भाषा कहाँ आती थी। मुझे लगा ये मेरी जेब में रखे मूंगफली के दाने खाना चाहती है, पर उसने एक एक करके सारे दाने गिरा दिए। मैं सोचता रहा कि आखिर ये चाहती क्या है। थोड़ी देर बाद वो भी बागीचे की तरफ बढ़ गई। उसकी सुंदरता बहुत अप्रतिम थी। मैंने जैसे ही टहलना शुरू किया वो भी मेरे साथ टहलने लगी। मुझे लगा शायद ये मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती है, मैं भी तो वही चाहता था, शायद थोड़ा वक्त प्रेम और शांति के साथ बिताना। हम सभी तो चाहते हैं प्रेम और शांति। थोड़ी देर बाद मैं फिर बागीचे से गुजरा। वहां तितलियां फूलों पर मंडरा रही थी, भंवरे फूलों से रस निकाल रहे थे और एक बहुत सुंदर तालमेल प्रकृति के साथ उनका बना हुआ था। एक भाषा थी जिससे सब जुड़े हुए थे। मैं भी थोड़ी देर महसूस करने लगा और समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर ये भाषा है कौन सी, क्या मैं भी सीख सकता हूं ये भाषा। थोड़ी ही देर में मुझे एहसास हो गया कि ये भाषा और कोई नहीं, ये भाषा है प्रेम की भाषा, शांति की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ लव, द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस।